विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आकलन की अवधारणा एवं या आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या के अंतर्गत प्रकरण पढ़ रहे हैं हमारा आकलन की उद्देश्य आवश्यकता और महत्व के अंतर्गत। हमने इसी प्रकरण के अंतर्गत हमने जो पिछले वीडियो व्याख्यान के अंदर समस्त उद्देश्य और आवश्यकता और महत्व के बारे में जाना है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे और भी इसमें कुछ टॉपिक बाकी है जो मैं इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। तो इसमें हमने पिछले ही पढ़ाया कि अधिगम कार्यक्रमों का विकास करना, आकलन विधियों का विकास करना या व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया को विकास करना, ये हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत पढ़ा था। इसी के अंतर्गत हम आज पढ़ी गई थी 11 वो है कि शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना। शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना, शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना, इसको शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना मतलब होता है। अब समसामयिक का मतलब होता है क्या होता है समसामयिक कि इस शिक्षण बिंदु जो लिखा हमने कि शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना, इसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया को समसामयिक बनाने का कार्य भी आकलन की प्रक्रिया से होता है। मतलब हम तो पढ़ेंगे इस अधिगम प्रक्रिया को, इस अधिगम प्रक्रिया को समसामयिक बनाने का कार्य भी आकलन से इस अधिगम प्रक्रिया को समसामयिक बनाने का जो कार्य भी है वो किससे होता है, इस आकलन से होता है। क्योंकि इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को सहभागिता होनी चाहिए। मतलब शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों एक क्लासरूम में बिठाकर सभी विद्यार्थियों को सहभागिता होनी चाहिए, जिससे विभिन्न नवाचार में नई प्रकार की अनुसंधानों का निष्कर्ष निकाल कर उसमें समावेश और निवारण किया जाता। मतलब कहना होता है कि अध्यापक इस प्रकार का शिक्षण कार्य देना चाहिए जो वर्तमान समय में समसामयिक घटनाओं से वर्णित हो, उनकी उदाहरण देकर या उनकी कुछ टॉपिक बनाकर उनका प्रकरण को समझाकर या उसका कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन करके हम विद्यार्थियों के अंतर्गत हम उन सभी शिक्षण विधियों को समझाने के लिए उन सभी विद्यार्थियों का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। और उन शिक्षण विधियों के अंतर्गत नए प्रकार की शिक्षा नीति जो है उनकी जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रही उन समस्याओं से अवगत कराकर उसमें निष्कर्ष तय करके उसमें नया समावेश करने का एक जरिया है, जो अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को उन समसामयिक घटनाओं के तौर अध्ययन को साथ में जोड़ते हुए अपने शिक्षण कार्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों की जो क्षमता है तर्क शक्ति का जो विकास है वो करने के लिए अध्यापकों को वर्तमान समय के शिक्षण विधियों के माध्यम से, तकनीकी शिक्षण विधियों के माध्यम से, सॉफ्टवेयर जो नया है शिक्षा नीति है उनके माध्यम से उनको शिक्षण देने के लिए हम आकलन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसमें लास्ट टॉपिक है, इसमें पॉइंट वो है
छात्रों का समग्र विकास करते हैं या विद्यार्थियों का समग्र विकास करते हैं। विद्यार्थियों का समग्र विकास कर कि विद्यार्थी का समग्र विकास करना मतलब इसका तत्व यह है कि इसमें समस्त विद्यार्थियों समस्त विकास संबंधी क्षेत्रों की समस्त गतिविधियों का आकलन किया जाता है, क्योंकि जिसके आधार पर विद्यार्थी को उन योग्यताओं और कौशलों का विकास विकसित करना को अवसर मिला है। जैसे हम आप सभी जने यहाँ पर बीएड प्रशिक्षण कर रहे हैं या शिक्षा ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस ट्रेनिंग के अंतर्गत एक अध्यापक विषय वस्तु की जानकारी देने के बाद या फिर ओरिएंटेशन जो क्लास होती है, जो शिक्षा पद्धति जो होती है, उन सभी के अंतर्गत जो हम जितने भी कौशल पढ़ते हैं उन कौशलों को पढ़ाने के बाद अध्यापक उन कौशलों को अलग अलग टॉपिक के माध्यम से पढ़ाने के बाद विद्यार्थी स्वयं अपने इंटर्नशिप के माध्यम से जिस विद्यालय का वह चयन होता है जहाँ वह ज्वाइनिंग करता है, और ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ वह विद्यार्थी छात्र अध्यापिका जो भी है वो वहाँ छात्र अपनी प्रस्तुति किस प्रकार से देती है, उन कौशलों को कैसे वो प्रस्तुत करती है, उन सभी का होता है कि उन सभी विद्यार्थियों को उन सभी प्रकार के कौशलों को विकसित करना के अवसर प्रदान करते हैं कि हमें किस प्रकार के कौशल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। उनकी जानकारी देना विद्यार्थियों का समग्र विकास बनाने विद्यार्थियों को परिपूर्ण करके ही हमें भेजा जाता है। यही प्रगति की क्रिया होती है, यही हमारे आकलन करने की और उद्देश्य और महत्व की जो विशेषता है उनको समझाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।